सब लोग तैयार है, फटाफट रेडी हो जाइए। हमारी तरफ से आप सभी को शुभ प्रभात। मुझे ऐसा है, विश्वास है कि आप लोग घर पर सकुशल होंगे, पढ़ाई करते होंगे। और देखिए, सरकार की प्रयास है कि जल्द से जल्द आर्थिक गतिविधियां जो संस्थान है वो शुरू हो। 18 तारीख के बाद निर्णय क्या आता है, तो इस प्रकार से हम आशा करते हैं कि आप अपने सेल्फ स्टडी पे जो है रुचि रखते होंगे। आपके पास जो भी मटेरियल उपलब्ध होगा, जो भी आपके पास चीजें होंगी, उसका जो है सहारा लेकर आप तैयारी करते होंगे। और एक बार फिर पिछली बार जो है आवाज शायद आपको नहीं आ रही थी, इसलिए हमारा टेक्नीशियन महाराज से निवेदन है कि तक लीजिए अगर ठीक ठाक हो तो। इस प्रकार से आप लोग तैयार हो जाइए। आज जो हम चैप्टर लेकर आए हैं वो रुचिकर चैप्टर है। इस चैप्टर की जानकारी थोड़ा सा मैं आपका सारांश आपको दिया था फ्रांसीसी क्रांति के बारे में। आज हम आपके सिलेबस के मुताबिक जो है इसको पढ़ा रहे हैं। आपका चैप्टर है अध्याय एक है फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में। टॉपिक रहेगा 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज। ध्यान दीजिएगा, कोई भी क्रांति होती है तो कोई ना कोई क्रांति के पीछे उद्देश्य होता है। बिना उद्देश्य का कोई क्रांति नहीं होती है और उसमें कारण भी मौजूद होता है। विदाउट यानी बिना कारण का कोई क्रांति नहीं होती है। यानी कहीं न कहीं जनता अपने उस वर्तमान शासक से परेशान होती है, उसके नीतियों से परेशान होती है। जो जनता शासक के खिलाफ बगावत करने पर उतर आती है। तो यदि बात किया जाए कि 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज कैसा था, तो आपको पता होना चाहिए कि सन 1774 ईस्वी में जब लुई सलावा 20 वर्ष का था तो वह फ्रांस के राजगद्दी पर बैठा। और जब राजगद्दी पर बैठा तो उस समय उसके अनुकूल परिस्थितियां नहीं थी। इसको उसने अपने कार्यों से और अधिक खतरनाक रूप दे दिया। उस समय ऐसा व्यवस्था बनाया गया था कि चूंकि वो ज्यादा फिजूल खर्ची था, उसकी अल्प आयु थी, कम आयु थी, उसे जो है राजनीति का प्रशासनिक व्यवस्था का पूरा नॉलेज नहीं था, जिसके कारण वो फिजूल खर्ची किया करता था। तो देखा जाए तो जब फिजूल खर्ची करने लगा, अपने ऐसो आराम की जीवन को जो है आगे रूप देने लगा, तो राजकोष का जो खजाना है वो रिक्त होने लगा। क्योंकि उस समय फ्रांस की राजकोषीय व्यवस्था का, अर्थव्यवस्था का जो मुख्य स्रोत हुआ करता था, कई तरह के टैक्स लगाए जाते थे। इसमें उसी टैक्सों के सहारे जो है फ्रांस की जो है शासन व्यवस्था चलती थी। और लुई सोलहवां इसे अपने व्यक्तिगत हितों में साधने लगा, जिसके कारण उसके धीरे धीरे राजकोष का जो खजाना है रिक्त होने लगा। इसके बाद अगर देखा जाए तो उसकी शादी ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी अंतोनेट के साथ हुई थी। ये बहुत खतरनाक औरत थी और अपने जो है माया जाल में, अपने रूप के जाल में लुई सोलहवां को फांस लिया। तत्पश्चात उसे अपने अंदर कर लिया और उसके निर्देशों पर लुई सोलहवां कार्य करने लगा। अगर समाज की व्यवस्था किया जाए, समाज की बात किया जाए, तो मैंने पिछले बार आपको बताया था कि फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट में बंटा हुआ था, जिसमें पहला कुली आते थे, पाली, पादरी वर्ग, दूसरे आते थे कुलीन वर्ग,
कुलीन वर्ग और तीसरे जो स्टेट में आते थे सामान्य जनता। सामान्य जनता में किसान मजदूर शिक्षक वकील पढ़े लिखे भी लोग आते थे। तो इस प्रकार फ्रांस की सामाजिक जो स्टेटस सामाजिक स्टेटस था वो तीन स्टेटस में विभाजित था। इसमें सबसे पहला स्थान पादरी वर्ग को प्राप्त था। इनकी संख्या अत्यंत कम थी, ये हर तरह के करों से मुक्त थे, लेकिन ये कम होते हुए भी अपना प्रभाव फ्रांस में बनाए हुए मतलब बनाए रखे थे। तत्पश्चात इनके जो है द्वारा लिया गया हर निर्णय जो सम्राट होता था उसको मानना पड़ता था। जैसे हमारे यहाँ जो समाज में ब्राह्मण ब्राह्मण वर्ग का सबसे सर्वश्रेष्ठ स्थान होता है, क्योंकि वो ज्ञान के मतलब देवता माने जाते हैं, ज्ञान की शुरुआत उन्हीं से होती है, इसलिए वो श्रेष्ठता हासिल करते हैं। तो उसी प्रकार जो फ्रांस है, फ्रांस में पादरियों का सबसे प्रमुख स्थान था। क्यों? क्योंकि ये मठाधीश होते थे, यानी मठों के स्वामी होते थे, पूजा पाठ कराते रहते थे, इसलिए इनको पहला स्थान प्राप्त था। ये कई तरह के विशेषाधिकारों से विभूषित थे, इन्हें हर प्रकार के वो अधिकार दिया गया था जो अधिकार सामान्य जनता को प्राप्त न था। दूसरे स्टेट में अगर बात किया जाए तो कुलीन वर्ग राज परिवार से संबंधित वर्ग को कुलीन वर्ग कहा जाता है। इनके पास संपत्ति होती थी, कुलीन वर्ग में शाही परिवार के व्यक्ति आते थे। तो इस प्रकार जो है मतलब कि शासन प्रशासन व्यवस्था के जो है स्वामी होते थे। तीसरे स्टेट में सामान्य जनता आती थी, सामान्य जनता जिसकी आबादी लगभग फ्रांस में 90% थी। मैं कुछ बच्चों का नाम ले लेना चाहता हूँ, मुझे आशा है कि आप लोग ऑनलाइन होंगे और हमारी बातों को ध्यान पूर्वक सुनते होंगे। इसमें राहुल होगा, प्रिंस अभिषेक के बहुत सारे बच्चे होंगे, बच्चियों में सोनी अनुष्का प्रियांशी दिव्या होगी विद्या होगी। इन सभी बच्चियों से हमारा रिक्वेस्ट है कि वे अपने पढ़ाई को जारी रखें। हो सकता है कि अगर विद्यालय पुनः ओपन होगा तो हम लोग फिर एक ही छत्र छाया में मिलेंगे, कई संस्थान में मिलेंगे और उस समय आपकी सारी समस्याओं का सलूशन निकालने का प्रयास किया जाएगा। और आप पढ़ते रहिए, अपने से बड़े लोगों का आदेश मानिए, माता पिता का सम्मान कीजिए, इज्जत कीजिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए। बार बार बताया जाता है कि सतर्कता ही इसे कोरोना महामारी से बचा सकता है। अगर हम सतर्क रहेंगे तो कोई भी बीमारी हमें छू नहीं सकती है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, सरकार के द्वारा दिए गए निर्देशों का भी पालन करते रहिए। और आपके पास जो भी बुक उपलब्ध होगा, जो भी होगा, उसी बुक की सहायता से आप पढ़ते रहिए। कोई भी टॉपिक या कोई भी चीजें आपको यदि समझ में नहीं आता है तो आप हमारे कॉन्टेक्ट नंबर नोट कर लीजिए, 620-454-0564। मैं बार बार आपको नंबर प्रोवाइड कराता हूँ ताकि आप पढ़े। अगर आपको जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आती है तो निसंकोच निधड़क आप जो है इस नंबर पर कॉल करके आप पूछे, हम जहाँ तक हो सके प्रयास हमारी रहेगी कि आपको उस टॉपिक के विषय में बताया जाए। तो चलते हैं। तो इस प्रकार से देखा गया कि फ्रांस के जो फ्रांसीसी समाज है वो तीन स्टेट में बंटा हुआ था, जिसमें पहला पादरी वर्ग था जिसको महत्व ज्यादा दिया गया था, दूसरे में राज परिवार से संबंधित व्यक्ति आते थे, इन्हें भी वो हर तरह के सुख सुविधा उपलब्ध थी। तीसरे जो वर्ग में सामान्य जनता 90% आबादी, और हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा परेशान समाज के तीसरे स्टेट के लोग थे, इसलिए कि इन पर सारे तरह के टैक्स लगाए गए थे और ये जीने के लिए संघर्ष कर रहे थे।
खाद्यान्न भी महंगा हो चुका था और इस प्रकार इनकी जो व्यक्तिगत आवश्यकताएं हैं, मूलभूत आवश्यकताएं हैं, वो भी पूरी नहीं हो पा रही थी। लेकिन उसके बाद जब लुईस अलावा का धन धीरे धीरे खत्म होने लगा तो राजकोष का खजाना भरने के लिए उसने फिर 1789 ईस्वी में, लगभग 5 मई 1789 ईस्वी में उसने एक सभा बुलाई। उस सभा को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है, प्रतिनिधि सभा या स्टेटस जनरल, स्टेटस जनरल कहा जाता है। इस सभा में उसने क्या किया कि अपने जो हर तरह के जो समाज के लोग रहते थे फ्रांस में, तो उसमें से जितने मतलब जनता के प्रतिनिधि थे, उस प्रतिनिधि को वो जो है अपने शाही महल में बुलाने का कार्य किया। उस जो है प्रतिनिधियों में 300 प्रतिनिधि पादरी वर्ग से आए हुए थे, 300 प्रतिनिधि जो है कुलीन वर्ग से आए थे, और आबादी चूंकि सामान्य जनता की 90% थी, इसलिए 600 जो प्रतिनिधि जो कैंडिडेट थे वो तीसरे वर्ग से आए हुए थे। इस प्रकार अगर देखा जाए तो पादरी वर्ग के प्रतिनिधियों को और कुलीन वर्ग के प्रतिनिधियों को आगे अच्छे अच्छे बैठने के लिए कुर्सी मिला हुआ था, और इन बेचारों को जो सामान्य जनता थी, ये सामान्य जनता के जो कैंडिडेट थे जिनकी आबादी, जिनकी संख्या लगभग 600 थी, इन्हें उन लोगों के पीछे खड़ा किया गया। चूंकि इन लोगों में भी पढ़े लिखे लोग थे, शिक्षित लोग थे, शिक्षक थे, वकील थे, यानी हर तरह के लोग इसमें शामिल थे। तो कहने का मतलब ये है कि जब इनको जो पीछे जब खड़ा कर दिया गया तो इन्हें अपने आप को अपमानित महसूस हुआ। अब जो लुईस अलावा है उसने नए कर के अनुमोदन के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया, प्रस्ताव घोषणा किया कि हमारे जो जितने प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित हुए हैं, ये आकस्मिक बैठक इसलिए बुलाया गया है कि राजकोष का खजाना रिक्त हो चुका है। और चूंकि आप जानते हैं कि राजकोष की खजाना रिक्त हो जाने से कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, इसलिए शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें पुनः राजकोष के खजाना को भरने का जो है ध्यान देना चाहिए। इसलिए हम निर्णय लेते हैं, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, फ्रांसीसी सम्राट लुईस अलावा कर रहा था उस सभा में, कि फिर से जो है शासन व्यवस्था या आर्थिक गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक नया कर का अनुमोदन किया जाए। अब जब नए कर के प्रस्ताव को समाज के तीसरे स्टेट के प्रतिनिधियों ने जब सुना तो उनका जो है माथा गर्म हो गया, और वे सोचने लगे कि एक तो हम भूखमरी के कगार पर पहुंच चुके हैं, यहाँ सामान्य खाद्यान्न हमारी जो जरूरत की चीजें हैं इतनी महंगी हो चुकी है कि हम उसे प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, हमारे पास उतने पैसे नहीं है कि हम खेतों को भी सही ढंग से जो है मतलब खेती कर सके, हमारी आर्थिक गतिविधियां एकदम ठप पड़ी हुई है, एकदम हम लोग जो है परेशान है, और यहाँ हम दोबारा नया टैक्स कहाँ से भर पाएंगे। इसलिए उन्होंने सोचा कि अब बगावत के अतिरिक्त कोई दूसरा विकल्प नहीं है। परिणाम स्वरूप यह हुआ कि जून में 1789 ईस्वी में वहां का जो शाही प्रतीक था बास्टिल जेल, इस जेल में कई क्रांतिकारियों को रखा गया था, कई तरह के कैदियों को रखा गया था। तब फ्रांसीसी समाज के तीसरे स्टेट के जो जनता थी, वो कैंडिडेट वहां से सभा से निकले और डायरेक्ट उन्होंने 4 जुलाई 1789 ईस्वी को बस्टिल जेल पर आक्रमण किया, और इस प्रकार बस्टिल जेल से जो क्रांतिकारी लीडर थे, जो क्रांतिकारी लोग थे, उसको मुक्त कराया, और वहीं से फ्रांस में बगावत की आग शुरू हो जाती है।
इधर जो है समाज के पहले वर्ग और दूसरे वर्ग के लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा था, समाज के तीसरे वर्ग के लोगों को हो किया गया है, तब तक कि कुछ कर नहीं पाते तब तक यह विद्रोह अग्नि की तरह फैल जाता है और इस प्रकार से ये विद्रोह को आगे बढ़ाने में और शुरू करने में सबसे ज्यादा जो योगदान दिया जाता है, सबसे ज्यादा जो श्रेय दिया जाता है वो मध्यम वर्ग को दिया जाता है। मध्यम वर्ग मिडिल वर्ग आपको जानना आवश्यक है कि मध्यम वर्ग में कौन कौन लोग आते हैं, तो मध्यम वर्ग में समाज के पढ़े लिखे और शिक्षित लोग जिनमें शिक्षक वकील प्रोफेसर क्लर्क जो पेशेगत जो लोग होते हैं यानी जिनकी आय नहीं कम होती है और नहीं बहुत ज्यादा होती है उन लोगों को जो है मिडिल वर्ग या मध्यम वर्ग कहा जाता है। चूंकि ये समाज के पहले और स्टेट लोगों समाज के पहले और दूसरे लोगों के सभी प्रार्थ करते थे इसलिए इनकी सारी गतिविधियों की नॉलेज थी और खास तौर से ये सामान्य जो है लोगों से बिलोंग करते थे। तो इस प्रकार से मध्यम वर्ग ने क्रांति को उकसाया, इसलिए उकसाया कि चूंकि हमारे पास भी उतनी ही संपत्ति है जो संपत्ति कुलीनों और पादरियों के पास है, लेकिन फिर भी जो विशेषाधिकार पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग को दिया गया है वो विशेषाधिकार हमें क्यों नहीं मिल पाया, आखिर ऐसा क्या कारण है कि हम उनसे कम हैं, हमारी क्या औचित्य है। इस प्रकार से जब तक हमें वो अधिकार नहीं मिलेगा तब तक हम इस क्रांति को बंद करने वाले नहीं है। उभरते मध्यम वर्ग ने की विशेषाधिकार के अंत की कल्पना, इन्होंने जो है एक सोचना शुरू कर दिया कि जब तक एक विशाल क्रांति नहीं होगी तब तक हमें उन लोगों जैसा कोई अधिकार नहीं मिल पाएगा। और साथ साथ उस घटना के परिणाम उस घटना के कारणों में अगर देखा जाए तो उन लोगों पर कुछ दार्शनिकों का भी दार्शनिकों के विचारों का भी प्रभाव था, फिलोसफर दार्शनिकों का प्रभाव। दार्शनिक के किसे कहते हैं आपको पता होगा, जो अपने विचारों से समाज के लोगों को नया रास्ता दिखाते हैं या समाज के बहुत सारे लोग उन लोगों से प्रभावित होते हैं। यूरोप के बहुत सारे दार्शनिकों के नाम आप लोग सुने होंगे जिसमें रूसो था, प्लूटो था, अरस्तू था। अरस्तू उसने ही कहा था कि क्या है कहा था जी, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो इस प्रकार रूसो या मोंटेस्क्यू ने शक्ति के पृथककरण का थ्योरी दिया। तो कहने का मतलब कि उन दार्शनिकों का जब इन मध्यम वर्ग के लोगों के ऊपर जब प्रभाव पड़ा तो वे समझने लगे कि आखिर जब तक हमें वो अधिकार नहीं प्राप्त होगा तब तक हम शांत बैठने वाले नहीं है। इन दार्शनिकों से प्रेरित होकर प्रभावित होकर समाज के जो मध्यम वर्ग के लोग थे इन्होंने उन अधिकारों को जो है मांगना शुरू कर दिया। इस प्रकार से हम अगले जो टॉपिक की शुरुआत करते हैं, समय समाप्त है कि कुछ है सेमिनार, ठीक है थोड़ा सा अगले टॉपिक की हम शुरुआत करते हैं। टॉपिक नंबर दो, फिर अगले दिन आएंगे तो हम उसको पूरा कर पाएंगे। आपको बता देते हैं कि क्रांति की शुरुआत जो है अभी मैंने बताया कि इन्हीं परिस्थितियों में हुई। बैस्टिल जेल पर आक्रमण किया गया और वहां के कैदियों को वहां से रिहा किया गया। तत्पश्चात सामूहिक रूप से समाज के सभी वर्ग के लोग इस क्रांति में अपना योगदान देने लगे, अपने अधिकारों के लिए अग्रसरित होने लगे। इस प्रकार लुई सुलावा और उसकी पत्नी को पकड़कर सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई। तत्पश्चात फ्रांस में निरंकुश शासन का अंत हुआ, राजतंत्र का उन्मूलन हुआ, लोग उन सारे अधिकारों की कल्पना करने लगे जो सम्राट लुई सुलावा और
मैरी अंतोनेट के शासन काल में उन्हें नहीं प्राप्त हुआ था। इस क्रांति का नेतृत्व समाज के दो या कई लोगों ने किया, जिसमें कुछ नाम मैं बता देना चाहता हूँ, मीराबियो और आवेशियो। ये वैसे लोग थे जो कुलीन वंश का ताल्लुक रखते थे, लेकिन फिर भी इन्होंने मध्यम वर्ग को जो है अपना नेतृत्व करना शुरू किया और उन्हीं की सहायता से क्रांति भी सफल हुई। 1791 ईस्वी में फ्रांस में एक नया कानून बनाने का प्रस्ताव पारित किया गया और नेशनल असेंबली का चुनाव किया गया। तत्पश्चात पहले उसको जो है व्यवस्थित किया गया और लोगों को वोट देने का अधिकार दिया गया कि जब तक नेशनल असेंबली का चयन नहीं होगा, चुनाव नहीं होगा, तब तक लोगों को वो अधिकार कैसे दिए जाएंगे। इसलिए अब समय समाप्त होता है, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए, ठीक है।